हेलो, हाय बनीता मैम. बनीता मैम, मैंने आपकी आईडी ओपन कर ली है आपको वाउचर्स के बारे में बताने के लिए. जैसे कि आपने माय बोनस में चेक कर लिया है, आपका एक पहले 45 का था एंड सेकंड आपका 96 रुपीज़ का था. जो टोटल हुआ है उसमें 141 जो है अमाउंट है. अब आपको वो चेक कैसे करना है, यहाँ माय वाउचर्स का आपको शो हो रहा होगा, फ्रंट में भी होता है डैशबोर्ड पे. इसके अलावा इस लिस्ट में भी माय वाउचर्स में आप जाकर प्रोडक्ट वाउचर एंड बोनस वाउचर, दो तरीके के वाउचर्स होते हैं. प्रोडक्ट वाउचर उनके लिए मिलते हैं जब आप फास्ट 8% लेवल करते हो या किसी प्रोडक्ट के ऊपर मतलब स्पेशली कोई वाउचर दिया गया होगा. टीम बिल्डिंग का मिलता है, फास्ट 8% का मिलता है. अलग अलग तरीके के वाउचर्स होते हैं जो यहाँ शो करते हैं. और जो पर्टिकुलर बोनस, इट मीन्स कि आपका चेक का जो वाउचर होता है, जब आपके बैंक डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड हुए होते तो बोनस वाउचर कन्वर्ट हो जाता है. अब ये बोनस वाउचर पे मैंने क्लिक किया तो आपका 141 रुपीज़ का जो चेक बोनस है वो आपका दिखाई दे रहा है. जैसे कि आप चेक के आगे देख पा रहे होंगे स्क्वायर शेप के दो बॉक्सेस बने कॉपी करने के. आप यहाँ से कॉपी करेंगे अपने वाउचर को. मैंने जैसे कि आपका वाउचर कॉपी किया है बट अब इसको रिडीम नहीं करूँगी मैं. अब मैं कार्ट पे आ जाऊँगी. मैंने कोई प्रोडक्ट का ऑर्डर यहाँ पे डाला, कुछ भी एग्जांपल के लिए मैं दिखा रही हूँ आपको. मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऑर्डर डाला है. आपने कुछ भी ऑर्डर करना है एंड चेकआउट. यहाँ ऐड वाउचर एंड प्रमोशनल आते हैं, जैसे कि यहाँ शो हो रहा होगा आपको. आपने कहा था ये वाउचर मुझे कहाँ ऐड करना है. आप देखिए यहाँ पे दो तरीके के वाउचर्स आपको दिखाई दे रहे हैं. गिफ्ट वाउचर, यानी कि जैसे कि मैंने पहले बताया था, प्रोडक्ट वाउचर को गिफ्ट वाउचर कहते हैं. आपको वो वाउचर यहाँ कॉपी करना है. बट अब अगर आपका बोनस वाउचर है तो इसको मैं यहाँ कॉपी करूँगी. बट मैं अप्लाई नहीं कर रही हूँ अभी. जब आप करोगे आप इसे अप्लाई कीजिएगा एंड अगेन वापसी आ जाएगा अपने शॉपिंग कार्ट पर. ये अपने आप ही ऑटोमेटिक अप्लाई करते ही शॉपिंग कार्ट पर वापसी आ जाएगा. तब आप फिर आगे प्रोसीड करना, वो अमाउंट आपका लेस हो जाएगा. ये है एक इजी प्रोसेस. मैं यहाँ से इसको डिलीट कर रही हूँ. ऐसे ही मैं आपके कार्ट में जो ये प्रोडक्ट है मैं इसको भी डिलीट कर रही हूँ. एडिट कार्ट, ये प्रोडक्ट मैंने डिलीट कर दिया है. अब मैं डैशबोर्ड पे आ जाती हूँ. क्लियरली वाउचर आपका एज इट इज़ माई वाउचर में अभी है क्योंकि हमने उसको रिडीम नहीं किया है. तो आप ये रिकॉर्डिंग मेरे थ्रू देख लेना और इसी तरीके से आप जितने भी आगे वाउचर्स, जब तक आप अपना बैंक डॉक्यूमेंट नहीं लगाते हो, जो भी वाउचर्स होंगे वो रिडीम कर सकते हो. थैंक यू मैम.